नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24x7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर उत्सव के तहत विभिन्न उत्सवों का उद्घाटन केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा और बीदर विधायक रहीम खान ने किया। जेडीएस की पांच रत्न यात्रा आज हुनाबाद में, लोगों का मिल रहा है समर्थन। बोमे ने कहा कि विधानसभा कांग्रेस का भ्रष्टाचार बैंक था जब वह सत्ता में थी। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व का विरोध करता हूं, सिद्धरामैया ने कहा। नकदी के साथ पकड़े गए पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को जमानत मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे जोशीमठ, प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने दिया इस्तीफा, जबरन वसूली का ऑडियो हुआ था वायरल। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज से शुरू होने वाले तीन दिवसीय बीदर उत्सव के कार्यक्रम आज सुबह से ही शुरू हुए। किले में होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा, बीदर विधायक रहीम खान, विधान परिषद सदस्य रघुनाथ राव मलकापुरे, बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बाबू वाली, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, जिला पुलिस अधीक्षक किशोर बाबू, कन्नड़ और संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक सिद्धराम शिंदे, भाजपा नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली, गुरुनाथ कुल्लू सहित अन्यों ने किले में पतंग उत्सव का उद्घाटन किया, बोटिंग को चलान दी। उसके साथ ही किला परिसर में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया और उन स्टॉलों में रखी सामग्री को देखा। हेलीकॉप्टर की उड़ान सहित अन्य कार्यक्रमों का जायजा भी लिया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। इंदू नाले नाडिद्दु मूर दिवस संपूर्ण निम्मगोस्कर ई व्यवस्थेन माडलागिदे। जिल्लाडळितदवरु अनेक इल्ली साहसिक आटगळु इन्नितर ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ತಾವು ಬಂದು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಜ್ ಫೋರ್ಟ್ಕೆಂದ ನಮ್ಮ ಸುಬ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಸಾಬ್, ಡಿಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಬ್ ಮಲ್ಕಾಪುರ್ ಸಾಬ್ ಅವ್ರ ಹಮಾರೆ ವಾಲಿ ಸಾಬ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕೆ ಪಹಲೆ ಪತಂಗ ಉತ್ಸವ ಕಾ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕಿಯೆ ಔರ್ ಅಭಿ ಯಹಾಂ ಪೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಕಾ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕಿಯೆ ಔರ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮೇ ಬೈಠ್ ಕೆ ಹಮ್ ಸಭಿ ಲೋಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಕಿಯೆ। ಮೈ ಬೀದರ್ ಕಿ ಸಭಿ ಜನತಾ ಸೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ, ಆಪ್ ಭಿ ಆಕೆ यहाँ पे एंजॉय करिए। एजुकेशन इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी फिनलैंड एंड मेनी कंट्रीज आल गुड अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आगे और 20 जन के नेम खत्म मार आगे अपॉइंट मार रहे हैं। आगे मिलन तंत्र के ये दोनों बहुत बड़ा अवकाश है। ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ। ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ। ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 4-5 ಜಾಬ್ ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ। ಮುಂದಾಗಿ ಬಸ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಬೀದರ್ಲೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಬೀದರ್ಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಈ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಆ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಜಾಬ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ। ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಿರಕಂತದ್ದು। ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಸಹಯೋಗ ಇತ್ತು, ಈ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರ್ಪಡಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ जेडीएस के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी के नेतृत्व में आज हुमनाबाद में पंचरत्न यात्रा शुरू हुई, जहां यात्रा को लोगों को समर्थन मिला। जिन क्षेत्रों से यह यात्रा गुजर रही है, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर नेताओं से अपनी समस्याएं सुनाने के अलावा आग्रह कर उनका स्वागत कर रहे हैं। हुमनाबाद में रोड शो के दौरान वाहन पर सवार बीदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खाशमपुर, हुमनाबाद के उम्मीदवार सीएम फैज सहित अन्य जेडीएस नेता आदि उपस्थित रहे। इस यात्रा के दौरान जेडीएस के युवा घटक के बीदर जिला अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान और उनके समर्थक भी यात्रा में अपना योगदान देते हुए सक्रिय रूप से काम करते नजर आए। यात्रा के दौरान लोक कला दल ने लोगों को आकर्षित किया, तो वही कुमार स्वामी को लोगों का समर्थन व सम्मान मिल रहा है। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने बीदर उत्सव 2023 के तहत आयोजित विभिन्न कला मंडलों के भव्य और आकर्षक जुलूस का उद्घाटन किया। शनिवार को राज्य के 31 जिलों के 41 कला मंडलों ने अपने 4.5 किलोमीटर के कला शो के लिए जिला नेहरू स्टेडियम में स्थानीय कला मंडलों सहित विभिन्न कला मंडलियों को संबोधित किया। साथ ही बीदर के लोगों को प्रदर्शन से चकित और द्रवित होना चाहिए। शोभायात्रा जिला स्टेडियम से अंबेडकर सर्किल, गवान चौक से बीदर किले तक निकलेगी, जिसमें महिला वीरगा से कंसाली, चमड़े के वाद्य यंत्र दत्ती कुनिता, चंदी वादन, कोलाटा,
लंबाणी नृत्य, पति मेला, पूजा कुनिता, डोलू सहित कई कलात्मक मंडलियां शामिल रही। बीदर उत्सव की शोभायात्रा निकालकर खुशी मनाई गई। इस अवसर पर बीदर विधायक रहीम खान, बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बाबू वाली, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, जिला पुलिस अधीक्षक डेका किशोर बाबू, कन्नड़ और संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक सिद्धराम शिंदे, गुरुनाथ कुल्लूर, वीरूपाक्षी गदगी और अन्य इस जुलूस में राज्य और स्थानीय अधिकारी उपस्थित रहे। 8 टीमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अब समाचार राज्य की। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि विधान सौध सिर्फ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं था, बल्कि कर्नाटक में पार्टी के सत्ता में होने पर कांग्रेस का भ्रष्टाचार बैंक भी था। विधान सौध में एक लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से 10.5 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद होने के बाद विपक्षी नेताओं के विधान सौध को एक शॉपिंग मॉल बन गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बोम्मई ने कहा, राज्य में कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्री पुत्रंग शेट्टी के कार्यालय में 22 लाख रुपए मिले थे, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, उनका बयान भी नहीं लिया गया और कोई जांच नहीं हुई। उन्होंने मामले को एसीबी भ्रष्टाचार को सौंपकर बंद कर दिया। तो विधान सौध तब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार बैंक था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वह एक हिंदू है लेकिन हिंदुत्व के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी अयोध्या में राम मंदिर का विरोध नहीं किया, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए उसका इस्तेमाल करने के खिलाफ थे। उन्होंने यहां तक दावा किया कि उन्होंने कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में कई राम मंदिरों का निर्माण कराया है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह कभी भी अयोध्या में राम मंदिर के विरोध में नहीं थे। सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि क्या हम कभी राम मंदिर के विरोध में थे? हमारी आपत्ति केवल राजनीतिक लाभ के लिए मंदिर का उपयोग करने पर है। इसे अन्य धर्म के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता जे जगदीश को बुधवार शाम को विधानसभा के पश्चिम गेट पर कथित रूप से 10.5 लाख रुपए नकद ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें शुक्रवार को जमानत दे दी गई। पुलिस के मुताबिक जगदीश ने उन्हें बताया कि मांडा में उसके खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज करने वाले एक व्यक्ति के भुगतान के लिए उसने पैसे की व्यवस्था की थी। उन्होंने आगे दावा किया कि उन्होंने बेंगलुरु में कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने उसका बयान दर्ज कर लिया है और हमें अभी उसके द्वारा किए गए दावों की पुष्टि करनी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया के खिलाफ कार्यवाही करने की चुनौती दी। अगर उनमें हिम्मत है तो उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धरामैया ने सनातन धर्म के सदस्यों ने गौरी लंकेश की हत्या कहकर हिंदू धर्म के खिलाफ सीधे तौर पर बात की। जोशी ने कहा, राहुल गांधी तिलक लगाकर और पूजा करके नाटक करते हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो सिद्धरामैया के खिलाफ कार्यवाही करे। सिद्धरामैया की टिप्पणी से पता चलता है कि सिद्धरामैया और कांग्रेस कितने हिंदू विरोधी हैं। यह देखते हुए कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में कोई अंतर नहीं है, जोशी ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व समान है क्योंकि यह जीवन का एक तरीका है और किसी जाति का प्रतीक नहीं है। जोशी ने कहा कि जब दुनिया भर से लाखों लोग सनातन धर्म का अध्ययन करने और स्वीकार करने के लिए भारत आ रहे हैं तो सिद्धरामैया का बयान उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
8422127। दुनिया में शिक्षा। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3-स्टार होटल भी है। जी हां दोस्तों, बीदर में अब 3-स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है, और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है, और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड, एंड द प्राइसेस आर नॉर्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। बीदर अल्ली फर्स्ट टाइम 3-स्टार होटल ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಸಾಥ್ ಹಿ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಬಿದರ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಪುಲ್ ಸೈಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಔರ್ ಸಸ್ಯಾ ನಾಮ ಸೇ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೆ ಅಲಾವಾ ಬಾರ್, ಜಿಮ್, ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, 1500 ಲೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಓಪನ್ ಲಾನ್, 100 ಲೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಮೌಜೂದ್ ಹೈ, ಔರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಸೂಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಕೆ ಅಲಾವಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ರೂಮ್ ಭಿ ಉಪಲಬ್ಧ ಹೈ, ಜಿನ್ ಮೇ ಸಭಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಸುವಿಧಾ ಹೈ. वाइब होटल्स के मालिक राजू मालवे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहां पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार जरूर चले आइए। वाइब 3-स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहां पर मैं 2-3 बार आया हूं, और यहां का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सभी रीजनेबल हैं यहां पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे, और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3-स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े होटल जीएम, 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है, और हम लोग राजू मेलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3-स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और है कि हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है, और बहुत कुछ जो जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982, ईमेल reservations.b@vibehotels.com, और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं देश और विदेश के समाचार। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे और प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। अपने दौरे के दौरान सीएम धामी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। बता दें कि 6 जनवरी तक यहां 603 घरों में दरारें आ चुकी हैं। इनमें 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। इनमें 44 परिवारों को फिलहाल सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इसरो और ONGC की टीमें जोशीमठ का सर्वे करेंगी।
जानकारी के मुताबिक जोशीमठ में कम से कम 9 वार्डों में दरारें और भूमि धंसने की घटनाएं सामने आई हैं। बता दें कि जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए 1271 लोगों की क्षमता वाले 229 कमरों की पहचान की है। सीएम धामी ने इससे पहले शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों के साथ जोशीमठ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद कहा, लोगों की जान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सिरारी ने दिया इस्तीफा। फौजा सिंह सिरारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसे लेकर सीएम भगवंत मान ने उनके खिलाफ पार्टी स्तर पर जांच करवाई थी। दरअसल ठेकेदारों से जबरन वसूली से संबंधित फौजा सिंह का एक विवादित ऑडियो क्लिप सामने आया था। इसको लेकर पिछले साल सितंबर में ही सरारी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस सदस्यों ने विधानसभा में हंगामा किया था। कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने अपने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए फौजा सिंह ने कहा कि वह पार्टी के एक वफादार सिपाही हैं और रहेंगे। अब पंजाब कैबिनेट में फेरबदल होने की संभावना है, जिसके बाद कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह आज ही राजभवन में होने की संभावना है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन की हमीरपुर इकाई ने आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिले के गुत्तेदारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। दिए हुए ज्ञापन में गुत्तेदारों ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सिंगल स्टेप डिलीवरी के लिए दुकान तक राशन पहुंचाने का कार्य हेतु ठेकेदार नियुक्त किए गए हैं, जिनके विगत कई माह से लापरवाही के कारण वितरण तिथि तक राशन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। नियत समय तक खाद्यान्न न मिलने के कारण वितरण बाधित होने की पूर्ण संभावना होती है, जिस कारण जनपद का पिछले माह का वितरण प्रदेश स्तर पर सबसे निचले स्तर पर रहा है। माह नवंबर 2021 कोटेदार द्वारा जमा की गई धनराशि एवं लाभ शासन के आदेश के अनुसार निःशुल्क बांटा गया, जिसका अभी तक भुगतान एवं समयोजना नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कोटेदारों की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर संबंधित ठेकेदारों को कठोर आदेश पारित करें, जिससे कोटेदार समय से वितरण कार्य कर सके। साथ ही लाभ की धनराशि का भुगतान एवं समयोजन समय से कराने की मांग की है। यूपी हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। लगातार कोटेदारों द्वारा जानकारी मिल रही है, पिछले माह भी ठेकेदार द्वारा तय समय पर निश्चित समय पर खाद्यान्न न दे पाने के कारण जनपद का वितरण निचले स्तर पर रहता है। इस माह भी आज वितरण की तिथि है, स्टार्टिंग तिथि आज से वितरण शुरू होना था। अभी तक 70% कोटेदारों के यहाँ राशन उपलब्ध नहीं हो पाया, जिससे कड़ाके की ठंड में कई राशन कार्ड धारक दुकान आते और लौट जाते हैं। हम कोटेदारों के पास भी कोई निश्चित समय नहीं कि हम उन्हें बता सकें कि राशन कब तक आएगा। अभी आपने मुलाकात की है जिलाधिकारी महोदय से, क्या माननीय जिलाधिकारी महोदय तो नहीं मिले हैं, संबंधित जो थे उनको ज्ञापन दिया हुआ है। हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि पहले तो निश्चित समय से हमें खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, जिससे हम जनपद का वितरण प्रदेश में सर्वोत्तम स्थिति पर ला सकें। दूसरा हमारा मांग ये है कि नवंबर 2021 में नगद भुगतान जमा करवाने के बाद शासन के आदेश अनुसार उस राशन को फ्री बंटवाया गया, जिसका समायोजन और ना ही भुगतान अभी तक हो सका। दूसरा, इस माह भी अक्टूबर नवंबर माह का भी भुगतान हम लोगों से जमा करा लिया गया है, शासन द्वारा अभी उस राशन को भी हमें फ्री में वितरित करना है। तीसरा, माह अप्रैल से माह अक्टूबर तक। रामपुर भाजपा सांसद धनश्याम सिंह लोधी को आतंकी संगठन लश्कर ए खालसा ने फोन पर मैसेज कर दी जान से मारने की धमकी। रामपुर सांसद एसपी अशोक कुमार शुक्ला से मुलाकात करके शिकायत दर्ज कराई। एसपी ने जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। और मैंने जब व्हाट्सएप खोला तो कोई लश्कर ए खालसा नाम से कोई संगठन है ना, और कोई संदीप खालिस्तानी कोई है, तो उन्होंने ये धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को हम बम से उड़ा देंगे, और जो भाजपा के नेता हैं है ना, और उन्हें और आरएसएस के नेताओं को बम से उड़ा देंगे, और या तो भाजपा छोड़ दीजिए आप। लेकिन इसकी शिकायत मैंने कप्तान साहब से कर दी है। कप्तान साहब से मैं खुद जाके मिला, उन्हें बताया ऐसे ऐसे व्हाट्सअप आया ये, और ये और उनकी जाँच का विषय है, उन्होंने जाँच करा रहे हैं और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाए। अच्छा, किस भाषा में लिखा है वो मैसेज? नहीं, इंग्लिश में है और पंजाबी में है, दो भाषा में वो इंग्लिश मैसेज आया है, और मैंने तो कप्तान साहब को मैसेज भी कर दिया है और उसके बाद शिकायत भी की है। आपको अपनी जान का खतरा लग रहा है? नहीं, खतरा मुझे नहीं है, खतरा तो जान ऊपर वाला एक ही बार लेता है, खतरा उसके किस बात का। लेकिन जो भी अगर उसकी जाँच हो रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यूक्रेन युद्ध में रूस के खतरनाक तेवर को देखते हुए अमेरिका ने भी लंगोट कस ली है। हालांकि दुनिया जानती है कि रूस से अभी तक यूक्रेन सिर्फ इसीलिए युद्ध लड़ पा रहा है कि उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। अमेरिका और नाटो के दिए हथियारों से यूक्रेन ने कई बार रूस के हौसले भी तोड़े, मगर पुतिन की जिद यूक्रेन की हार देखने तक युद्ध जारी रखने की है। इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर कई बड़े और भीषण हमले किए हैं, लिहाजा जेलेंस्की की सेना पस्त पड़ती जा रही है। हालात को देखते हुए अब अमेरिका यूक्रेन की अतिरिक्त मदद करने का फैसला किया है। अब अमेरिकी हथियार सीधे रूस को चुनौती देंगे। एक नज़र फिल्मों के समाचारों पर। करण सिंह ग्रोवर ने बिपाशा के साथ शेयर की बेहद रोमांटिक फोटो, एक्ट्रेस के बर्थडे पर लिखा स्पेशल पोस्ट। अब समाचार खेल जगत के। सरफराज के बाद अफरीदी और मिसबाह भी करेंगे मैदान पर वापसी, फरवरी मार्च में खेलते आएंगे नजर। आखिर में समाचार बाजार की। अब 100 रूपए से कम में मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा, जियो और एयरटेल के सबसे सस्ते प्लान। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर उत्सव के तहत विभिन्न उत्सवों का उद्घाटन केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा और बीदर विधायक रहीम खान ने किया। जेडीएस की 5 रत्न यात्रा आज हुनाबाद में, लोगों का मिल रहा है समर्थन। बोमे ने कहा कि विधानसभा कांग्रेस का भ्रष्टाचार बैंक था जब वह सत्ता में थी। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व का विरोध करता हूं, सिद्धरामैया ने कहा। नकदी के साथ पकड़े गए पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को जमानत मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे जोशीमठ, प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने दिया इस्तीफा, जबरन वसूली का ऑडियो हुआ था वायरल। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।